हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि नेविगेशन बार में हमें जो नेविगेशन टॉगलर आइकॉन मिलता है, ठीक है, आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं नेविगेशन टॉगलर आइकॉन, ठीक है, या फिर इसको हम बूटस्ट्रैप हैमबर्गर भी बोलते हैं। ओके, तो इसका अगर आपको कलर चेंज करना है, ठीक है, या फिर इसका साइज चेंज करना है, ये जो बार यहाँ पे आ रही है उसका कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है, मीन्स कैसे उसमें स्टाइलिंग करना है वो मैं आपको बताऊंगा। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि कुछ दिनों से मैंने अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, मैंने अपनी वेबसाइट पे ये नोटिस किया कि मेरी जो वेबसाइट है उसमें ये जो टॉगलर आइकॉन आ रहा है वो डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे तो मैं उसको देख पा रहा हूँ, मतलब वर्क तो कर रहा है, वर्क भी कर रहा है एंड यहाँ पे विजिबल भी है, बट जब मैं मोबाइल में अपनी वेबसाइट को ओपन कर रहा था कुछ दिन से तो ये आइकॉन विजिबल नहीं हो पा रहा था, ठीक है, तो उसका भी सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे स्टाइल करना भी सीखेंगे, कैसे हम टॉगलर आइकॉन को स्टाइल कर सकते हैं, कैसे उसका कलर चेंज कर सकते हैं एंड साइज चेंज कर सकते हैं। एंड ये जो प्रॉब्लम मैंने फेस की, अगर आप भी फेस कर रहे हैं कि टॉगलर आइकॉन आप जब अपनी मोबाइल के अंदर वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो ये आइकॉन अगर आपको विजिबल नहीं हो पा रहा है बट वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास अपने लोकल कंप्यूटर में एक मैंने वेबसाइट ओपन करके रखी है, ठीक है, तो इसका कोड मैं देखता हूँ। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी अभी मैंने जो रिसेंट में ओपन किया वो एम्प्लॉई रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट है, जो कि मैंने पूरा ट्यूटोरियल इसका डाला हुआ है कैसे इसको बनाना है स्टेप बाय स्टेप, तो इसी में हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया कि हम कहाँ पे नेविगेशन बार के अंदर मैंने इसको बनाया होगा, एंड नेविगेशन बार का जो कोड था वो मैंने लिखा था नेविगेशन डॉट एच टी एम एल के अंदर। तो इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर आप देखोगे ये बटन है एंड बटन के अंदर ये स्पान टैग दिया हुआ है। अब इसमें कलर चेंज करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है, अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो अभी जो है कुछ इस तरीके का कलर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस तो नहीं है, अगर हम इस तरीके से करेंगे जो पहला तरीका आपको मैं बता रहा हूँ कि हमने ये स्पान के अंदर क्लास यूज़ की है नेव बार टॉगलर आइकॉन। अब आपको देखना है कि आपने जो नेव यूज़ किया था एन ए वी टेग, वहाँ पर आपने लिखा है नेव बार डार्क, तो नेव बार डार्क लिखने से हमें वाइट कलर मिलता है, ठीक है। एंड अगर मैं लिखता हूँ नेव बार लाइट तो मुझे ब्लैक कलर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो फॉन्ट का कलर भी ब्लैक हो गया, जो एम्प्लॉई रिकॉर्ड मैनेजमेंट फॉन्ट था, ठीक है, जो नेवबार ब्रांड था उसका कलर भी ब्लैक हो गया एंड इसका कलर भी ब्लैक हो चुका है, जो हमारे जो नेवबार टॉगलर आइकॉन है उसका कलर भी, उसमें जो बार आ रहे हैं वो भी ब्लैक कलर के हो चुके हैं। एंड अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, अब ये आपको सही से विजिबल नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड का कलर है वो भी डार्क है, अगर मैं इसको कर देता हूँ प्राइमरी तो आपको यहाँ दिखेगा बार का कलर ब्लैक हो चुका है क्योंकि मैंने नेवबार लाइट लाइट लिख दिया। एंड अगर मैं नेवबार लाइट की जगह नेवबार डार्क लिख देता हूँ तो जो हमारा फॉन्ट का कलर, जो टेक्स्ट का कलर है एंड जो नेवबार का टॉगलर आइकॉन है उसके बार का कलर भी वाइट हो जाएगा। ओके, तो एक तो तरीका ये हो गया, दो चॉइस है यहाँ पे, हम वाइट कर पा रहे हैं एंड ब्लैक कर पा रहे हैं नेवबार डार्क और नेवबार लाइट क्लास का यूज़ करके। बट मुझे करना ये है कि मैं चाहता हूँ किसी दूसरे कलर में भी मैं इसको दे पाऊँ या फिर थोड़ा फॉन्ट साइज भी इंक्रीज़ हो जाए, तो वो हम कैसे कर पाएंगे। एंड जो तरीका अब हम देखेंगे उससे आपको ये भी सॉल्यूशन मिल जाएगा कि अगर आपका नेवबार टॉगलर आइकॉन विजिबल नहीं हो पा रहा है मोबाइल में, ठीक है, जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था, अगर आपका नेवबार टॉगलर आइकॉन वर्क कर रहा है बट विजिबल नहीं हो पा रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी आपको इससे मिल जाएगा कि आपने जो स्पान टैग बनाया है उसके अंदर आप फॉन्ट ओसम का आइकॉन यूज़ कर लो। तो आइकॉन आप कैसे यूज़ करते हो, आई टैग का यूज़ करते हो एंड उसके अंदर आप क्लास यूज़ करते हो, क्लास के अंदर आप फॉन्ट ओसम का जो भी आइकॉन होता है बार के लिए वो यूज़ करोगे, तो FS FA-Bars, ठीक है, ये मैंने लिखा। एंड उसके बाद
ठीक है, इतना लिखा। उसके बाद में यहाँ पे स्टाइल लगा देता हूँ, इनलाइन स्टाइल का मैंने यूज़ कर लिया। एंड इनलाइन स्टाइल का यूज़ करते हुए मैंने इसका कलर दे दिया वाइट। तो वाइट कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे कलर वाइट या फिर कलर कोड के फॉर्म में आप दे सकते हैं। अब आप देखो ये कितना ज़्यादा वाइट कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बट अभी देखो ये थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, तो इसमें क्या करो, आप फॉन्ट का साइज भी दे दो। तो मैं इसको एक फॉन्ट साइज दे देता हूँ, फॉन्ट साइज कॉलन 28 पिक्सल। ओके, अभी क्या हो रहा था कि आइकॉन तो आ रहा, लेकिन जो टॉगलर आइकॉन हमने इसके थ्रू दिया है, इस वाली क्लास के थ्रू, वो भी विजिबल हो पा रहा है। तो ये दोनों ओवरलेप हो जा रहे हैं। अब मैंने रिफ्रेश किया तो अब देखो परफेक्ट आ रहा है। अब ये इसका फॉन्ट साइज भी अच्छा दिख रहा है एंड वाइट पूरा प्रॉपर वाइट कलर दिख रहा है। अगर मैं कोई दूसरा कलर यहाँ पे देना चाहूँ, मैंने दिया फॉर एग्जांपल ब्लू, ब्लू तो ऑलरेडी है, मैंने यहाँ पे दे दिया येलो, ठीक है। मतलब बैकग्राउंड का कलर भी ब्लू है तो वो विजिबल आई थिंक नहीं हो पाएगा, तो येलो दिया, येलो भी हो गया। तो फ्रेंड्स ये बहुत सही तरीका है, हम इस स्पान के अंदर ही ये लगा देंगे। आई टेक का यूज़ कर लेंगे, फोंटोसम का आइकॉन यूज़ कर लेंगे एंड जो भी कलर देना है, एंड फॉन्ट साइज ये रख देना ताकि ओवरलैपिंग ना हो आपके इस वाले आइकॉन से। एंड ये अगर आप लगा देते हो इसके अंदर, इस स्पान टेक के अंदर, तो आपको जो प्रॉब्लम अगर आती है कि मोबाइल में आप जब अपनी वेबसाइट को ओपन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको विजिबल अगर नहीं हो पा रहा है, ये आइकॉन वर्क कर रहा है बट विजिबल नहीं हो रहा है, तो उसका भी ये सॉल्यूशन है। ओके, एंड अगर आप ओल्ड वर्जन्स यूज़ कर रहे हो, फोंटोसम का जो आपने CDN यूज़ किया है वो थोड़ा ओल्ड वाला यूज़ किया है, तो उसके लिए आप इसको चेंज कर सकते हो, FA माइनस नेव आइकॉन, ठीक है। तो अलग अलग वर्जन के अकॉर्डिंग आइकॉन की जो क्लास है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो वो आप सर्च कर सकती हो कि आपका कौन सा वर्जन है। जैसे अभी मेरा CDN नया वाला है तो ये मेरा वर्क नहीं कर रहा है। आपका अगर ओल्ड वाला हो एंड नया वाला वर्क ना करे तो आप ये वाला ट्राई कर लेना। ओके, बट मेरे उसमें ये वर्क कर रहा है तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।